है। पात्र चित्रण, पात्र तुहानू पहला दस्या सी मुख पात्र तीन ने कांगी, दूसरा विआह दे विच निहाल कौर, मनजीत ते सुखदेव। ठीक है, इन्हां तिन्हां दा ही करैक्टर स्केच आपां करना है, बाकी सुखदेव कौर दा, गुरदित सिंह दा ओह असीं नहीं करना, ओह जस्ट आपां डिस्कस कर लवांगे। सो ए तीन ते तुसीं फेयर कॉपी ते करने ने। सो पहला निहाल कौर, और तुसी फेयर कॉपी ते सिर्फ पॉइंट्स ही लिखने बेटा, ठीक है, क्योंकि जो जफरनामा एक आगे लिखी सी तो काफी बच्चे ने सिर्फ पॉइंट्स लिखे सी। नो, पॉइंट्स नहीं लिखने, उन्होंने इलेबोरेट भी करना है। ठीक है, सो पहला तुसी पॉइंट्स नोट कर लो, इलेबोरेट तुसी बाद विच कर लियो। सो निहाल कौर, सब तो पहला जो असी करैक्टर करते हाँ, ठीक है, कि आ सकता है जान पहचान विच या पॉइंट्स सानू मैं पहला पहला लिखवाए सन, एनीवन जब आप किसी भी पात्र दी पात्र उसारी नहीं जान पहचान लिखते हाँ तो उधर विच की आंदा है। ठीक है, और उधर विच आप ओके अर्शीन, यस अर्शीन मैम असी एदे जान पहचान च लिख सकते हैं कि निहाल कौर संत सिंह सेखों की इकांगी दूजा विआह दी एक महत्वपूर्ण पात्र है। ओके वो गुरदित सिंह की पत्नी, सुखदेव सिंह अते सुखदेव कौर की माँ अते मनजीत की सास है। ओके वेरी गुड। ठीक है बेटा, सो असें स्टार्टिंग भी इदां ही करनी है कि पहला आपा हर एक पात्र का लिखना है कि ए इकांगी दूसरा विआह जो कि संत सिंह सेखों द्वारा लिखी हुई है, ठीक है, उसकी एक मुख्य पात्र है। ठीक है, देन पहला आपा लिखना है मुख्य पात्र है, राइटर का नाम ये जान पहचान विच लिख लो नाल नाल ही। ठीक है, मुख्य पात्र है सुखदेव दी माँ ते मनजीत दी सस, मनजीत दी सस। ठीक है, ये जस्ट होगी इंट्रो जान पहचान। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, हमेशा जान पहचान हर एक करैक्टर दे विच तुसी लिखनी ही लिखनी है। ठीक, उस तो बाद विच एदे पॉइंट्स बोल दो तुसी, अगर किसी नू पता है तां, काफी मैं आई थिंक थोनू चार पांच तां मैं लिखवा ही दित्ते सन। हां जी अशीन, पॉइंट्स आ सकते हैं और पुराने ख्यालात दी इस्त्री ओके नू विच नुक्स कड़न वाली काम फटाफट करन वाली अपनी नू नू दूजे व्यार दे डरावे देन वाली मतलब धमकाउन वाली। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। राइट बेटा, सो तुसी पॉइंट जिद जिदा कोई कोई डिस्कस करना चाहता है नाल ही लगता तुसी लिख सकते हो। वेरी गुड अशीन, सो पहला लिख सकते हो तुसी नो नो दूजे व्याह दा डरावा देन वाली। ठीक है, हर एक पॉइंट नूं तुसी तीन चार लाइनां दे विच ही एक्सप्लेन करना है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, और हर एक करैक्टर दे घट्टो घट्ट पांच छे पॉइंट तां होने ही चाहिए ने, इस तो ज्यादा हो जाएंगे तां वेल एंड गुड है। ठीक है, पर तुसी पांच छे पॉइंट तां लर्न करने ही करने ने, और ए वाले जिहड़े पॉइंट्स ने ये अपने आप बन जाते हैं अगर तुसी ध्यान नाल इकांगी सुनी होवे तां। ठीक है, सो पहला है नूं नूं दूजे विआह दा डरावा देण वाली, पहला है। दूसरा कि निहाल कौर की करती सी हर टाइम अपनी नूं नूं दूसरे विआह दे डरावे दिंदी रहिंदी सी। ठीक है, उन्हें लगता सीगा कि दूसरे विआह दे डरावे दे के वो अपनी नूं उत्ते काबू कर लवेगी, या तुसीं दस देना कि वो अपनी नूं नूं दूसरे डरावे क्यों दिंदी सी, क्योंकि उहदी नूं दे घर कोई औलाद नहीं सी। ठीक है, इसलिए भी वो अपनी नूं नूं डरावे दिंदी सी, ते उहने किते ना किते खुद यह दुख झेलिया हुंदा है, उहदा पति गुरदित सिंह ने भी दूसरा ब्याह करवाया सी। ठीक है, बस उस तो बाद विच अरशीन ने बोलिया है जड़ा कम काली नाल करन वाली या कम जल्दी नाल करन वाली। ठीक है, ये निहाल कौर बहुत चुस्त स्त्री है,
ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਲੋਟੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਚਰਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਤ ਲਿਆ, ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਲੋਟੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਫੋਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੋਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸ਼ਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਿਤ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਉਹ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਧੀ ਦਾ ਖਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਗੁਆਂਢਣ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਲੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਗੁੱਡ, ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਜਸਲੀਨ। ਅਰਸ਼ੀਨ ਮੈਮ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ ਗੁੱਡ,
गलती दा पछतावा या गलती ते पछताउण वाली। ठीक है, गुड। निहाल कौर अपनी गलती ते पछतावा भी करती है। एकांगी दे अंत विच जदों उहनूं इह अहसास हुंदा है कि उहदी जिहड़ी धी है उहदा दूसरा विआह हो जाएगा, ते उहनूं फिर जा के अपनी गलती दा अहसास हुंदा है, ते अपनी नूंह तों उह हमेशा माफी मंगदी है। ठीक है, राइट। कोई होर पॉइंट दसो, 10 पॉइंट हो गए ने। अगर किसी के माइंड में कोई होर पॉइंट आता हो तो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज 10 पॉइंट सफिशेंट ने, राइट। तुसी हमेशा एक्स्ट्रा पॉइंट ही लिखा करो बेटा। कई बार ये होंगे है कि कोई ना कोई पॉइंट साढ़े माइंड में स्किप कर जाता है, तो फिर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए ही मैं थोड़े न करैक्टर जड़े ने डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, इन्हों लिख लो, जब लिख लो मैं दस दो, फिर आप नेक्स्ट करैक्टर। सेकंड पात्र है मनजीत, जो के इस एकांगी की महत्वपूर्ण पात्र है। ठीक है, या मुख्य पात्र है। ओके, सो एदी जान पछाण भी आप सेम करनी है जिस तरह असी निहाल कौर की कीती सी कि यह एकांगी दूजा विआह जो कि संत सिंह सेखो द्वारा लिखी हुई है उसकी एक महत्वपूर्ण पात्र है। सारी एकांगी इस दुआले ही घूमती है। ठीक है, तो निहाल कौर की नूह ते सुखदेव की पत्नी है, राइट। ये जान पहचान वाला हो गया। दैन सेकेंड पॉइंट, हाँ जी दसो, मनजीत दे अशीन। हाँ, लिख सकते हैं कि मनजीत हासी मजाक वाली सी, हाजिर जवाबी सी, हर एक की सेवा करती सी, पति वड्यां दा सतिकार करन वाली आग्याकारी नूं सी, अते पढ़ी लिखी सी, पढ़न दा शौक रखती सी। ओके, ठीक है जी। सो जान पहचान सेकंड लिखो तुसी, पढ़ी लिखी स्त्री। ठीक है, मनजीत पढ़ी लिखी स्त्री सी, उन्हों पढ़न का बहुत शौक सी, इसलिए वह अपने घर विच भी जो निहाल कौर उन्हों कहती है ना कि तू इन्ना टाइम नहीं करता तैयार होने, तो कहती सी नहीं मां जी मैं थोड़ा जहा पढ़न लग पी सी। ठीक है, पढ़ी लिखी स्त्री सी, उन्हों पढ़न का शौक सी। ठीक है, फिर तुम कह सकते हो थर्ड पॉइंट आज्ञाकारी नूह। आज्ञाकारी नूह, ठीक है, मनजीत आज्ञाकारी नूह सी, वह हर काम अपनी सास तो पुछ के करती सी। जो इसत्री सभा विच जांदी सी तां उन्हों दस के जांदी सी हमेशा, ते जो वह कहती है कि हर छोटे छोटे घर के कामों आटा जो गुन्ना होंदा अपनी माँ जी नूं दिखा के जांदी है कि माँ जी इन्ना आटा बहुत है। ठीक है, सो तो पता लगता है कि वह एक आज्ञाकारी नूह है। ठीक है, मखौलिया सुभाव वाली, या अपनी सास नाल मजाक करन वाली। ठीक है, मनजीत मखौलिया सुभाव वाली है, अपनी सास दे ताने मैणियां दा कोई गुस्सा नहीं करती। ठीक है, सगो उन्हों भी वह हमेशा मखौल करती रहती है। जदों उदी आपां ना हरेक पॉइंट विच ना सिर्फ इदा नहीं लिखना मखौलिया सुभाव वाली है आगे करी, उन्हों थोड़ा जहा आपां एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, कि एकांगी विच किस टाइम पे ए वाला जिहड़ा पॉइंट है वह ज़्यादा हाईलाइट हो रहा। ठीक है, मखौलिया सुभाव वाले तुसीं लिख सकते हो जदों उहदी सास उहनूं कहिंदी है कि मैं अपने पुत्र का विआह कर देना, तो वह कहती है कोई गल नहीं माँ जी तुसीं अपने पुत्र का विआह करो, मैं स्पैशली थानूं खास तौर पर इसत्री सभा तो मंजूरी लै देवांगी। ठीक है, इसलिए वह अपनी सास दीआं गल्लां दा कदे भी गुस्सा नहीं करती। ठीक है, दैन फिफ्थ पॉइंट, इसत्री सभा दी मैंबर। ठीक है, पढ़ी लिखी स्त्री होने करके वह इसत्री सभा की मैंबर भी है, तो इस सभा दे विच हमेशा की हुंदा सीगा औरतां दे हक्कां दे लई लड़ाई की जाती सी।
ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਫਿਰ मनजीत अपने पति दे नाल बहुत ज्यादा प्यार करती है तो उन्हें हमेशा अपने पति का फिक्र रहता है जदों इकांगी दे विच जिहड़ी निहाल कौर है उहदी सस है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਧਾਰ ਲੂੰਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਵਨਥ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੋਰੀਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਨਾਣ ਉਹਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਈਨਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿੱਝੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਐਨੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਯੈਸ ਅਰਸ਼ੀਨ ਮੈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੰਨੀ ਪਟਰ ਪਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੇਟਾ ਮੈਮ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਓਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੌਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਪਾ ਲਿਓ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਡਨ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਸੋ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਤਰ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਪਤੀ
निहाल कौर ते गुरदित सिंह दा पुत्तर ते सुखदेव कौर दा भरा। ठीक है, ए इस इकांगी दा मुख पात्र है, महत्वपूर्ण पात्र मनजीत है, इकांगी दा मुख पात्र। ते ओ है कि है, सुखदेव है कि एक फौजी है। ठीक है, उदा पिता भी फौज विच सी ते ए भी एक फौजी है, देश दी सेवा करता है। ठीक है, सो एदे पॉइंट जसीन लिख सकते हैं मां दी आज्ञा करन वाला है, पत्नी नु प्यार करन वाला है, पत्नी दा सम्मान करन वाला है, पढ़िया लिखिया है अते नवे विचार रखता है। मैम असी एदे विच आया सकदे मां दे सुभा दा जाणू है। हां जी गुड, लिख सकते पैण लई फिक्रमंद है अते माता पिता दा सतिकार करन वाला है। वेरी गुड अर्शीन एंड जसमीन। ठीक है, सो फर्स्टली जान पहचान सेम पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िया लिखिया नौजवान। ठीक है, सुखदेव पढ़िया लिखिया नौजवान है ते ओह फौज विच फौजी है या फौज विच है या देश की सेवा करता है। ठीक है, देन पढ़िया लिखिया नौजवान तो एदे नाल ही कोरिलेट करता, तुसीं लिख सकते हो आधुनिक विचारां वाला। ठीक है, क्योंकि सुखदेव पढ़िया लिखिया है आधुनिक विचारां वाला है, इसलिए ही ओह अपनी पत्नी दे नाम ले जानते कभी भी गुस्सा नहीं करता। ठीक है, तो वह अपनी मां नूं भी कहिंदा है कि इहदे विच कोई गलत गल नहीं है कि उहदी पत्नी उहदा नाम लै रही है। ठीक है, दैन थर्ड पॉइंट पत्नी नाल प्यार करन वाला। यहां लिख सकते हो पत्नी दी इज्जत करन वाला, पत्नी दी इज्जत ही तो करता ना वो, ते जे ओ नु सुखदेव जी कहंदी है तो वह भी ओनू मनजीत जी कहंदा है। ठीक है ना, ते ओ पत्नी दा पत्नी नाल प्यार करन वाला भी है, पत्नी दी इज्जत करन वाला भी है। ठीक है, दोनों तुसी लिख सकते हो। नेक्स्ट आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है, सुखदेव एक आज्ञाकारी पुत्र है, वह अपनी माता पिता का हमेशा कहना मानता है। जो इकांगी दे विच निहालपुर कहती है ना कि तेरा दूसरा ब्याह कर देना, तो वह भी तो कहता है ना कोई गल नहीं माँ जी तुसी मेरा दूसरा ब्याह कर दो ते मैं मनजीत नूं अपने नाल छौड़ी लै जावांगा ते दूसरी नूं हमेशा तुहाडा ध्यान रखा करेगी। ठीक है, आज्ञाकारी पुत्र भी है, होर की लिख सकते आप, मखौलिया सुभाव वाला भी है। ठीक है, ये भी अपनी पत्नी की तरह मखौलिया सुभाव वाला है, इसलिए ही कि वह अपनी माता दीयां गल्लां दा कदी भी गुस्सा नहीं करता। जदों उन्हें दूसरे ब्याह नहीं कहती है तो वह भी कहता है कि मेरा दूसरा ब्याह कर दो ते दूसरी नूं तुहाडा हमेशा ध्यान रखा करेगी। ठीक है, देन सेवंथ मां दे सुभाव तो जाणू, मां दे सुभा तो जाणू। ठीक है, इहदे विच तुसीं लिख सकते हो कि वह अपनी मां दे सुभा तो चंगी तरह नाल जाणू है, इसलिए अपनी मां दीयां गल्लां दा कदे भी गुस्सा नहीं करता। ते वह मनजीत नूं कहिंदा है, उहनूं दसदा ना कि किस तरह शायद साडे कोई औलाद नहीं है इसलिए मां मेरे लिए दुखी है या चिंतित है, या वह कहिंदा है कि जदों निहाल कौर दी सौंकण गुरदित सिंह ने दूसरा ब्याह कराया सी उन्हें लगता सीगा कि शायद ये उस हले दुख विचों दी निकल नहीं सकी, इसलिए उन्हें कहता है कि तू माँ दीयां गल्लां दा बहुत ज्यादा गुस्सा ना कर। और उन्हें भी यह गल जड़ी है वह झेली है, इसलिए शायद वह तेनों भी कह रही है। ठीक है,
देन टेन प्रति टेन प्रति फिकरमंद सुखदेव अपनी भैन प्रति फिकरमंद है। ठीक है, जो चिट्ठी आती है कि उन्होंने पता लगता है कि उसकी भैन जड़ी है जो जीजा दूसरा ब्याह करवाने लगा है तो फिर उन्होंने गुस्सा चढ़ता है अपनी वह भैन लिए फिकरमंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हो अपने काम आप करने वाला। राइट, सुखदेव अपने काम आप करने वाला है। एकांगी दे विच जो दी पत्नी कहती है कि मैं अंदर रख देवा बाल्टी तो तुसी नहा लो, कहता है कि कोई गल नहीं मैं अपने आप ही सब कुछ मैनेज कर लवांगा, तुसी जाके रसोई का काम कर लो। ठीक है बेटा, इस तो इलावा एक्स्ट्रा पॉइंट किसी का तो दस दो। है किसी को एक्स्ट्रा पॉइंट? हाँ जी खुशी मैम, पांडजिया नु प्यार देने वाला। हाँ लिख सकते हो, ओके गुड, भांजियों नू प्यार देने वाला, गुड। ठीक है, वो अपनिया भांजियों के नाल प्यार करता है, वो जदों दी सॉरी उदी भैन आती है उन्होंने मिलन के लिए तो उहदे विच एक नाम है ना ये भांजी का नाम गोगी। ठीक है, वो गोगी नू ही अपनी भांजी नू अपनी गोदी विच ले लैंदा है। ठीक है, गुड। ठीक है, काफ़ी ने आई थिंक पॉइंट बहुत ने, तीन चार लाइन एलैबोरेट करोगे तो दो पेज तो बन ही जाएंगे। ठीक है, सो बेटा ये जो तीन करैक्टर स्केच ने जो कल आपू तो अपनी फेयर कॉपी से लिखना है। ठीक है, ये इस तो इलावा जेडे लोंग क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि हमेशा एकांगी का विषय वस्तु या एकांगी विचली समस्या वो आप कल कर चुके हैं डिस्कस। ठीक है, वो भी आ सकता है। राइट, सो एक क्वेश्चन होर बन सकता है कि एकांगी दूसरा विआह का सिरलेख ढुकवा है या नहीं। ठीक है, दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन, पहले तीन, चौथा कल, पंचवा सिरलेख ढुकवा है या नहीं। Appropriate, ठीक है, ढुकवा है या नहीं। ठीक है, तुसी मैनू दसो कि जो इस एकांगी का सिरलेख है दूजा विआह तुहाडे अकॉर्डिंगली ये सही है? सही है तो किवें? हाँ जी प्रभगुन। Yes, ma'am. Ma'am, ऐसे कांगी दा सिरलेख दूजा व्याह ढुकवा है, सारी गल दूजे व्याह ते हुंदी है, जिवें निहाल कौर जो कि मनजीत कौर की सस है वह उसनू डरावे दिंदी है क्योंकि उस जिहड़ी निहाल कौर सी उहदे पति ने भी गुरजीत सिंह ने भी दूजा व्याह करा लिया सी ते वह डरावे दिंदी है कि मनजीत नू कि वह सुखदेव का भी दूजा व्याह करवा देवेगी ते सारी एकांगी दूजे व्याह दे आस पास घूमती है ते बाद चो निहाल कौर दी धी सुखदेव कौर नू भी उसका पति यही डरावा दिंदा है कि मैं दूजा व्याह करवा लेना है। वेरी गुड। ठीक है, सो इस एकांगी दा सिरलेख ढुकवा है। ठीक है, जड़े प्रभु ने दो तीन पॉइंट दसे ने इन्हां नू तुसीं अपनी फेयर कॉपी ते लिखना है, ढुकवा है क्योंकि सारी एकांगी दे विच ही गल केड़ी चली जा रही है हमेशा दूसरे विआह की, वह दूसरे विआह का दिंदी है डरावा अपनी नूं नूं, कारण मैं तुहानूं दसे हुए ने पुत्र दी कामना करके उहदे बच्चे उहदे मुंडे दे कोई बच्चे नहीं हुंदे औलाद नहीं हुंदी इसलिए, या उहने खुद इस चीज़ नूं इस दुख नूं सहेड़िया सी तो उहनूं लगदा सीगा कि दूसरे विआह का डरावा शायद नूं नूं काबू करके रखेगा। फिर एकांगी दे अंत विच उहदी खुद दी धी
इस दुख नूं सहारदी है जदों उहदा पति बलवंत सिंह उहनूं कहिंदा है कि मैं तेरा दूसरा विआह कर देना। ठीक है, सो इस इकांगी का सिरलेख टुकवा है। तुहानूं जदों भी कोई क्वेश्चन आवे ना, तुसीं पहलां इकांगीकार का नाम लिखना ही लिखना है, संत सिंह सिखो। ठीक है, सो ये पांच क्वेश्चन बच्चे थोड़ी फेयर कॉपी ते होने चाहिए ने। बाकी एक्स्ट्रा जड़े ने वह मैं थोड़ा लिखवा देवगी, कल आप डिस्कस कर लवेंगे। ठीक है, तो ना ही आप ग्रैमर कर लवेंगे, राइट, या मैं थानू एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख के थानू मैं दे देवगी। ठीक है, तो सिर्फ उन्होंने एक बार गो थ्रू हो जाइए। ओके,